देश के लिए लड़ना किसी भी देशवासी के लिए गर्व की बात होती है और जब भी कोई जवान सेना में भर्ती होता है तो उसे यही सिखाया जाता है कि देश की रक्षा ही सर्वोपरि है और इसी को ध्यान में रखकर जवान अपनी परवाह किए बिना दुश्मनों का सामना करता है। बिना इसकी परवाह किए कि दुश्मन की बंदूक से निकली गोली उसका भी सीना छलनी कर सकती है। मंगलवार को बांदीपुरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए सीआरपीएफ अफसर चेतन चीता इसका एक बड़ा उदाहरण है। आतंकियों से लोहा लेते हुए चेतन चीता को 9 गोलियां लगी लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। चेतन चीता की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उन्हें दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में रखा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हालांकि वो अब भी खतरे से बाहर नहीं है। यहाँ उनके दिमाग का ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके चेहरे और सिर पर कई गंभीर चोटें हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि चीता की मदद के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम को बांदीपुरा के खान मोहल्ला में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। चेतन चीता इसी ऑपरेशन में सीआरपीएफ जवानों की अगुवाई कर रहे थे। खबरों के मुताबिक आतंकियों को पहले ही ऑपरेशन की खबर मिल गई थी। आतंकियों ने एक साथ 30 गोलियां दागी। चेतन के शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुल 9 गोलियां लगी। इसके बावजूद चेतन ने आतंकियों पर 16 राउंड फायर किए और एक आतंकी को ढेर किया।